हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ लाहौर बार की हड़ताल, मातहत अदालतों में वकला की अदम पेशी। मुलजमान के तमाम केसेस में अगली तारीखें दे दी गईं। वकला का हॉलैंड के सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा। इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद पहले सरकारी दौरे पर आज लाहौर आएंगे। जमान पार्क में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वजीर आजम पंजाब काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जिमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों की टिकट पर भी मुशावरत होगी। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज तलब। वजीर आला पंजाब को तमाम महकमों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वीआईपी कल्चर का खात्मा, कफायतशहारी से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सरकारी अस्पतालों में 2200 असामियों पर नर्सिस की भर्ती की मंजूरी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। नर्सिस के मसाइल हल करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। आरिफ अलवी को पंजाब में वाज अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। उनकी कामयाबी हकीकी जमहूरियत की तरफ एक और कदम साबित होगी। चौधरी सरवर वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और नामजद गवर्नर चौधरी सरवर आरिफ अलवी को आज इशाइया देंगे। पंजाब के तमाम एमपीएज और एमएनएज शिरकत करेंगे। जिमनी इलेक्शन शहर गुल में सियासी सरगर्मियां फिर से शुरू। चार हलकों के उम्मीदवारों की लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आवेजा की जाएगी। कौमी असम्बली की दो नशस्तों पर 58 और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 73 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 4 सितंबर तक जारी रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड के जेर इंतजाम। 2.5 माह के शॉर्ट कोर्सेज करवाने का फैसला। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 सितंबर मुकर्रर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रायविंड में DEA प्रोग्राम के दाखिलों में तौसी। तलबा DAE सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दाखिला ले सकते हैं। और LDA का खयाबान जिना पाइन एवेन्यू और PCSIR सोसाइटी में ऑपरेशन। खयाबान जिना पर गैर कानूनी तौर पर बनने वाली इमारत की बाउंड्री वॉल और गेट मिसमार्क।